रुक जा बता रहा तेरे, रुक जा। मैं सोच रहा हूँ इसको लेने की, पर तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज वापस से अनबॉक्सिंग करूंगा मैं, मैंने कुछ मंगाया फ्लिपकार्ट से, उसके अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स कुछ ऐसा है, मैंने कुछ लाइव मंगाया है इसके अंदर, इस वजह से 10 दिन लिया है फ्लिपकार्ट ने इसको भेजने में। सब मेरे को लग रहा है कि पेड़ का तो नाश हो चुका है, पेड़ मर चुका है शायद से। कहाँ से आया? कलकत्ता से। फिर तो मरेगा भी चल, वो भी पे को क्या है। वापिस जाएगा, वापिस नहीं जाता ही। पेड़ के हाल देखो। ओहो, हाल देखो बेचारे के, ऐसे आई है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मेरे पास है ना, मेरे पास एक गजब की चीज है अभी। रुक जा बता रहा तेरे, रुक जा। मैं सोच रहा हूँ इसको लेने की, पर प्राइस काफ़ी हाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, प्राइस काफ़ी हाई है। दूसरा, मेरे पास ऑलरेडी एक डॉग है, तो इस वजह से, और क्यूट सा जा रही है और मैं सोच रहा हूँ इसको ले लूँ। खेमेश के पास ही है ये। अब इच्छा तो मेरी बहुत है इसको लेने की, बट मैं कन्फ्यूज हूँ इसको लेने में। कन्फ्यूज़न दूर हो सकता है, चलो छोटा सा टारगेट रखते हैं। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो पे 10,000 लाइक्स आते हैं तो मैं इसको रख लूँगा टिंडे से को, वरना फिर रहन दूँगा। अब वो आपके ऊपर डिसाइड है, अगर आप लोगों को लगे कि इसको रखना चाहिए तो मेरे को बता देना, वरना ठीक है। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। हमारे घर पे ढोल वोल वाले आए हैं, बात बताऊंगा। वैसे अभी वो लेट हो गया। ये हमारी ताई जी, फोटो बना। ये मम्मी, आज मेन किरदार इनका है और वो साइड हीरोइन है। जब से हमें बाहर निकल थी, आज अभी मैं
ये प्रसाद तैयार हो रहा है, जो पूजा हुई अभी उसका आप सबको सोसाइटी में प्रसाद जाएगा, लाइट जलाई जाएगी, लाइट जलाई जाएगी। रसोई में हमने थोड़ी सी लाइट ज़्यादा करी है। हाल फिलहाल मैं नर्सरी में आया हुआ हूँ प्लांट लेने, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लांट है, मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट है। ये देखो कितना बड़ा प्लांट है भाई साहब, गमले में लगा लो इतना बड़ा प्लांट। ये लेमन प्लांट है, नर्सरी कितनी बढ़िया है यार ये। वो चीकू के प्लांट है, ये वाले आम के प्लांट है, ये आम के फूल आ गए जो फल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बीमारी होती है पर्टिकुलर आम में एक, ये आम वाले प्लांट है। फिर उसके बाद ये है, काफ़ी सारे मतलब बहुत बड़ी नर्सरी है, मतलब ऑल ओवर बहुत बड़ी नर्सरी है। ये हमारे बीडियन में ही है, तो अभी तो मैं यहाँ से लेता हूँ फिर निकलता हूँ। दोस्तों ये वाला व्लॉग पीछे ही एडिट हो रहा है, इसमें मैं एक प्रोग्राम में गया था जहाँ अपने राजस्थानी कल्चर के डांस वगैरह हो रहे थे, राजस्थानी म्यूज़िक था। मतलब राजस्थानी म्यूज़िक और राजस्थानी कल्चर एक अलग ही लेवल का कल्चर है, जिसमें हर चीज़ मिक्स्ड है, मतलब आप इस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी एक ट्रेडिशनल चीज़ है लेकिन काफ़ी मॉडर्निटी के साथ उस चीज़ को दर्शाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आधुनिकता का और ट्रेडिशन का जब मिक्स होता है तो वो बहुत सुंदर होता है। इस वजह से मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, मैं प्रोग्राम में गया था उसमें, तो दोनों चीज़ें मिक्स्ड है, आप इंजॉय करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। याद रखिए 10,000 मतलब 10K लाइक्स पे मैं वो पपी ले लूँगा। और मेरा मैं कंफ्यूज हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा जर्मन शेफर्ड है, लेकिन वो पपी भी बहुत प्यारा है, मेरा इच्छा है उसको लेने की और नहीं भी है, तो वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है उसको लेना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, साथ ही इस वीडियो को 10K लाइक्स कंप्लीट होने पर मैं उसको ले लूँगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।